हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग फिर से आए हैं प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज लेकर। हर हफ्ते हम लोग एक दिन में डिस्कस करते हैं जो हमारे प्रेगनेंसी के वीक्स होते हैं उनके बारे में। तो पहले हमने फर्स्ट 2 वीक्स में क्या क्या होता है उसको डिस्कस किया, देन 3rd वीक, देन 4th वीक, आज बात आई है 5th वीक के बारे में कि प्रेगनेंसी का जो 5वां महीना होता है उसमें बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बच्चे में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जो विमेन है जो प्रेगनेंट है उसको किस तरह से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो हमारे वुड बी फादर्स हैं, जो पापा है हमारे होने वाले, उनको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। 5th वीक प्रेगनेंसी में सबको पता चल ही जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, मम्मी पापा दोनों को। तो आपको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको एक गुड न्यूज मिल गई है। तो क्योंकि 5th वीक के स्टार्टिंग में पता चल जाता है किसी का ओवुलेशन लेट होता है, तो 5th वीक के एंड में तो पता चल ही जाता है कि आप प्रेग्नेंट है। अब क्या होता है, मोस्टली तो क्या होता है, काफ़ी परसेंट लोगों में, 50% लोगों में कोई सिम्टम्स होते ही नहीं है 5th वीक में। जब उन्हें प्रेगनेंसी का पता चलता है तो कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट कुछ लोगों में कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, ब्रेस्ट में पेन होना, बहुत ज़्यादा नॉजिया वॉमिटिंग आना, डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन जैसा फील होना, बहुत ही डाइजेशन, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होना, वीकनेस होना, फटीग होना, बहुत ज़्यादा थकान वगैरह लगती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारा जो एसजी हार्मोन है उसकी वजह से, क्योंकि वो इंक्रीज हुआ होता है उसकी वजह से, तो इसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। बट काफ़ी सारे लोगों में कोई सिम्टम आता ही नहीं है जब उन्हें प्रेगनेंसी का पता चलता है या फिर 5th जो वीक होता है उसके एंड तक। बट जिनमें आता है उनमें ये थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो आते हैं। अब बात करते हैं बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। बेबी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, 3 mm उसका साइज होता है, दिखने में टेडपोल की तरह लगता है, जैसे फ्रॉक का छोटा सा बेबी होता है ना, ऐसा टेडपोल की तरह लगता है। उसका हार्ट बीट आ जाता है, स्केलेटन उसका तैयार हो जाता है, जो बॉडी का खांचा होता है जो स्केलेटन बोलते हैं वो तैयार हो जाता है। बच्चे का हार्ट बन जाता है, क्योंकि हार्ट बीट आ जाता है हार्ट बन जाता है। बच्चे का जो हेयर नेल होते हैं और स्किन होती है वो थोड़ा थोड़ा जो है डेवलप होना शुरू हो जाती है इस टाइम पर। इस टाइम पर एक मेजर करते हैं CRL, जिसको बोलते हैं क्राउन लंप लेंथ। जो बच्चे का क्राउन से लेकर लंप, क्योंकि बेबी का प्रॉपर अभी बना नहीं है, पैर हाथ नहीं आए हैं, तो जिस तरह से वो बना होता है उसमें हम मेजर करते हैं क्राउन एंड लंप, मतलब क्राउन मतलब अपर पोर्शन एंड लंप मतलब लोअर पोर्शन, उसका एक लेंथ मेजर किया जाता है। आपने देखा होगा जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हो तो उसमें लिखा आता है CRL लेंथ, क्राउन लंप जो हमारी लेंथ होती है वो, ठीक है। अब क्या होता है कि ये 20 वीक तक देखी जाती है, जो 20 वीक होता है 20 वीक तक इसको देखते हैं कि जो CRL होती है उस लेंथ को, उसके बाद फिर नॉर्मल लेंथ मेजरमेंट होता है। अब बात करें कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो देखिए सबसे पहले आपको डॉक्टर को विजिट करना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रेगनेंसी होने के बाद, पॉजिटिव आने के बाद सोचते हैं 2-3 महीने जब हो जाएंगे तब जाएंगे हम डॉक्टर को दिखाने, ऐसा नहीं है। डॉक्टर को जाके कंसल्ट करिए, अल्ट्रासाउंड करवाइए, जिसमें TVS का होता है, जो कि वेजाइनली एक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है वो होता है। उससे क्या पता चलेगा, एक तो उससे पता चलता है कि बेबी का हार्ट बीट, दूसरा बेबी कितने हैं, 1 है 2 है या 3 है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पता चलता है कि बेबी जो है इम्प्लांट हुआ है वो प्रॉपर यूट्रस में हुआ है या किसी ट्यूब में तो नहीं हो गया। क्योंकि अगर बच्चा ट्यूब में भी इम्प्लांट हो जाता है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, या फिर जो मैंने बताया था कि बायोकेमिकल प्रेगनेंसी की हार्मोन, मतलब बेबी का प्लेसेंटा से हार्मोन सीक्रेट हुआ बट बेबी नहीं है, बेबी का ग्रोथ नहीं है, तो वो है वो TVS से ही देखा जाता है। इन सारे केसेस में जो है रिजल्ट जो हमारा पॉजिटिव होता है, जो हम किट यूज़ करते हैं उसमें हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आता है इन तीनों के केसेस में। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड कराना, TVS कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आपको पता चले कि आपका जो बेबी का पोजीशन है वो प्रॉपर यूट्रस में ही है, वो ट्यूब में तो नहीं है या कोई बायोकेमिकल प्रेगनेंसी तो नहीं है। इस टाइम पे ब्लड टेस्ट होते हैं सारे तरह के, जिसमें सारे ब्लड टेस्ट से रिलेटेड, जितने भी ब्लड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो देखी जाती हैं। आपको कोई थैलेसीमिया तो नहीं है वो देखा जाता है। प्रीनेटल विटामिन आपको अपने प्रॉपर लेने हैं, फोलिक एसिड, विटामिन B12, आपको जो भी बोले गए हैं वो आपको सारे लेने हैं। जो मेडिसिन आप पहले से लेते हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे थायराइड हो, उसके बारे में आपको डॉक्टर को बताना है, क्योंकि वो डॉक्टर हो सकता है कि जब आप प्रेग्नेंट नहीं थे उस टाइम पे जो डोज चलता था, जो भी मेडिसिन चलता था वो उस समय के लिए सही था, बट प्रेगनेंसी के लिए वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, वो ठीक ना हो, तो अपनी मेडिसिन के बारे में भी आपको डॉक्टर को बताना है। नेक्स्ट होता है फैमिली जेनेटिक्स के बारे में। मान लीजिए आपके और आपके हस्बैंड की साइड में कोई भी एक जेनेटिकल प्रॉब्लम चल रही है, वो आपको डॉक्टर को बताना है। आप उनको बताओगे तो क्या होगा कि उससे वो काफ़ी ज़्यादा
इस चीज़ को ठीक से पढ़ पाएंगे कि हाँ आपको बच्चे को भी ये जेनेटिक प्रॉब्लम होने के कोई चांसेस तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम चलता है तो 9 वीक के बाद एक टेस्ट दिया जाता है, NIPT टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं किसी भी तरह की, तो वो डिटेक्ट किया जाता है अगर कोई जेनेटिकली कोई चीज़ चल रही है तो। अब इस समय क्या है, आपको बिल्कुल भी ना वेट गेन के बारे में टेंशन नहीं लेना है, वेट गेन के बारे में टेंशन नहीं लेना है। मैं बताती हूँ, वेट गेन लोगों को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाएंगे, दो लोग हैं, वेट कितना भी बढ़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। वेट ज़्यादा बढ़ेगा तो आपके प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो अगर आपका जो BMI इंडेक्स है जो कि अगर 19 से कम है, आप अंडर वेट हैं, तो 15 से 16 किलो तक आपका वेट बढ़ना चाहिए। अगर आपका जो BMI है वो 19-26 से आप नॉर्मल रेंज में आते हैं, तो 11-15 kg वेट बढ़ना चाहिए। बट अगर आप ओबीज हैं, आप मोटे हैं, आप 30 से ऊपर आपका BMI इंडेक्स है की वैल्यू है, तो आपका वेट 6-7 किलो तक ही बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। यही एक हेल्दी चीज़ होती है, आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं खाना है। आप सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाऊंगा, मेरे को बेबी है तो मेरे को बहुत एक्स्ट्रा खाना है, तो उस चीज़ का आपको नहीं करना है। फर्स्ट 5 मंथ्स तक आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खाना है डबल चीज़ों का, क्योंकि जितना आप खाते हो बेबी के लिए उतना रिक्वायर्ड, ठीक। 5 मंथ के बाद आपको पर डे 300 कैलोरीज ही एक्स्ट्रा लेनी है, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको 1200 कैलोरी खानी है तो आपको बेबी होने वाला है तो आप 1200 और खाओगे, 2400 खाओगे, ऐसा नहीं होता है। 5th मंथ के बाद आपको 300 पर डे के अकॉर्डिंग कैलोरी ज्यादा लेनी है, मतलब एक दिन में 300 एक्स्ट्रा लोगे आप, दैट्स इट। फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नॉजिया वोमिटिंग होने की वजह से ना वेट गेन होने के बजाय लूज़ हो जाता है, तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि इस समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो बच्चा होता है ना, ऐसा नहीं है कि आप जो खा रहे हो बच्चा वही जाके सीधे लेगा, बच्चे का जो भी ग्रोथ होता है, जो भी डेवलपमेंट होता है, जो ब्लड होता है, वो ब्लड उसको माँ का ब्लड बच्चे को मिलता है, उस ब्लड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितना भी न्यूट्रिशन होता है, वो बच्चे को मिलता है, बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से होता है। तो अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में जो नॉजिया और वोमिटिंग, आपका वेट लूज हो रहा है, तो आप टेंशन मत लो, बेबी का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से अच्छा ही रहेगा। वेट में बहुत ध्यान रखना, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं खाना है, अदरवाइज प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट होता है कि अब फादर को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, फादर को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस टाइम पे मदर को नॉजिया वोमिटिंग होगा, इरिटेट होगी, परेशान होगी, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती है, तो वो चीज़ समझनी है, वो प्रॉपर उस डॉक्टर पे विजिट कराना है, जो भी डॉक्टर की डेट है डॉक्टर पे विजिट कराना है, प्रॉपर सारे अल्ट्रासाउंड कराने हैं, आपको भी अल्ट्रासाउंड समझने हैं, डॉक्टर ने जो भी चीज़ खाने पीने के लिए बोला है आपको प्रोवाइड करानी है अपनी वाइफ को, आपको जो भी सप्लीमेंट्स डॉक्टर ने बोले हैं वाइफ के लिए कि ये डॉक्टर आपकी वाइफ को खाने हैं सप्लीमेंट्स, वो आपको खाने हैं। कुछ फादर्स क्या करते हैं कि अरे नहीं, अल्ट्रासाउंड इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी मम्मी ने तो नहीं कराया था, मेरी बहन ने तो नहीं कराया था, उनके भी तो बच्चे हुए, ऐसा नहीं है। डॉक्टर आपको जो जो चीज़ें बोलती है आपकी वाइफ को कराने के लिए, वो आपको कराना है, आपको सपोर्ट देना है। आप फादर बनने वाले हैं, बस आपकी वाइफ बच्चे को कैरी कर रही है, बट बीइंग अ फादर आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं उस बच्चे के लिए जितने की एक माँ होती है। तो डॉक्टर जिस भी चीज़ के लिए बोले, अल्ट्रासाउंड के लिए, विजिट के लिए, विटामिन के लिए, सप्लीमेंट्स के लिए, वो आपको सब प्रोवाइड कराने हैं, टाइम टू टाइम बच्चे को डॉक्टर पर विजिट कराना है। तो आई होप ये 5th वीक में क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में, बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, मदर को किस तरह से ध्यान रखना है और फादर को क्या केयर करनी है, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीक हम लेके आएंगे 6th वीक में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में। आज के लिए इतना ही, कल हम दोबारा एक हेल्थ केयर वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।